is also quickly listening into the Lok Jan Shakti party leader Chirag Paswan, who has commented on this matter. हमारे साथ बातचीत करने के लिए चिराग पासवान है। चिराग जी, 100 से ज़्यादा विपक्ष के सांसद सस्पेंड हो चुके हैं और लगातार सदन जो है सो बाधित हो रहा है, क्या कहें? जी, सदन चलने ही नहीं देना चाहते। हकीकत है, विपक्ष ने ये नई परंपरा की एक शुरुआत कर दी है कि बस किसी ना किसी एक जिद को लेकर अड़ जाओ। कभी प्रधानमंत्री जवाब देंगे तब हम लोग मानेंगे, कभी गृह मंत्री, कभी रक्षा मंत्री, कभी वित्त मंत्री। कितने सत्र इन्होंने हंगामे की देन इन्होंने चढ़ा दी। हकीकत है भाई, यही सेशन होता है चुनाव से पहले का, मोटा मोटी एक फुल फ्लेज सेशन यही है। इसके बाद चुनाव का आएगा कुछ दिन का, उसमें कौन कितनी बात उठा पाएगा। पर इसमें सांसद अपने क्षेत्र के विषयों को उठाते, चुनाव से पहले अपने लोगों को विश्वास दिलाते, और यही कारण है कि विपक्ष की संख्या इतनी कम होती जा रही है। भाई, इनके भी तो क्षेत्र के लोग देख रहे हैं ना कि हमने अपने सांसद को चुन के भेजा हमारी बात करने के लिए, और ये वहाँ पे तख्तियाँ लेके हंगामा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी क्षेत्र की जनता का भी विश्वास ये सांसद खोते जा रहे हैं, और यही कारण है कि विपक्ष के सांसदों की संख्या हर चुनाव के साथ कम होती जा रही है। अगली बार देखिएगा, और आधे से कम ये विपक्ष हो जाएंगे और 400 से ज़्यादा सीटों के साथ एनडीए गठबंधन चुनाव जीतेगा। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.